हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन बैरोड। हम जो पढ़ रहे हैं वो बीएससी फाइनल की केमिस्ट्री पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो अपना स्टार्ट चल रहा था वो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी विषम चक्रीय यौगिक चल रहा था। उस विषम चक्रीय यौगिक में हमने इंडोल और इंडोल के संश्लेषण, उसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। आज जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो है इंडोल के बाद किमनोलिन पढ़ रहे हैं। किमनोलिन क्या होता है, पहले तो किमनोलिन की स्ट्रक्चर देखो क्या होती है। किमनोलिन एक बेंजीन रिंग होती है, इस बेंजीन रिंग के साथ एक पिरिडीन जुड़ी होती है, पिरिडीन रिंग, इसको बोलते हैं किमनोलिन। किमनोलिन यह इसका नाम है 2,3-dibenzopyridine। क्या बोलते हैं इसको, 2,3-dibenzopyridine। इसको 2,3-dibenzopyridine कैसे बोलते हैं, देखो यहां पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो 2 और 3 पोजीशन पे बेंजीन रिंग करेक्ट है पिरिडीन की पे, तो 2,3-dibenzopyridine इसको हम बोलते हैं कंपाउंड 2। अब जो हम पढ़ेंगे ये किमनोलिन है, तो किमनोलिन जो है उस किमनोलिन को बनाने की विधियां पढ़ेंगे, संश्लेषण पढ़ेंगे किमनोलिन के। किमनोलिन के संश्लेषण हम पढ़ेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपके पास संश्लेषण आते हैं। संश्लेषण किस किस के पूछे जाएंगे, इंडोल के, किमनोलिन के और आइसो किमनोलिन के। और जो आज हम पढ़ रहे हैं ये किमनोलिन का संश्लेषण पढ़ेंगे। किमनोलिन के संश्लेषण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्रोप संश्लेषण, स्क्रोप संश्लेषण, ये किमनोलिन का संश्लेषण है। पहला यही पढ़ेंगे किमनोलिन बनाने की विधियों में स्क्रोप संश्लेषण। इससे लास्ट वीडियो में हमने इंडोल के संश्लेषण पढ़े थे। इंडोल का संश्लेषण हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, फिशर इंडोल संश्लेषण। सेकंड हमने पढ़ा था मेडुलिन संश्लेषण। और थर्ड जो पढ़ा था अपने रिसर्ट संश्लेषण पढ़ा था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो किमनोलिन के संश्लेषण पढ़ रहे हैं। किमनोलिन का फर्स्ट संश्लेषण हम पढ़ रहे हैं स्क्रोप संश्लेषण। इस स्क्रोप संश्लेषण में क्या होता है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या होगी, स्क्रोप संश्लेषण। स्क्रोप संश्लेषण किसका है, किमनोलिन का है। तो स्क्रोप संश्लेषण में देखो क्या होता है, स्क्रोप संश्लेषण, इस स्क्रोप संश्लेषण में एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन क्या होती है, ये एनिलीन है, एनिलीन को गिल्सरोल, तो गिल्सरोल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, एनिलीन को गिल्सरोल और नाइट्रोबेंजीन C6H5PO2, नाइट्रोबेंजीन फेरस सल्फेट FeSO4, इनके साथ क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। तो हमारे पास FeSO4 साथ में H2SO4 भी होता है, तो इसके साथ हम इसको गर्म कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो बनता है वो किमनोलिन बनती है। इस संश्लेषण को हम बोलते हैं स्क्रोप संश्लेषण। यानी स्क्रोप संश्लेषण क्या है कि जब एनिलीन, गिल्सरोल, नाइट्रोबेंजीन, फेरस सल्फेट, H2SO4 को गर्म करते हैं तो किमनोलिन प्राप्त होती है। इस संश्लेषण को स्क्रोप संश्लेषण कहते हैं। अब स्क्रोप संश्लेषण कहते हैं इसको, तो स्क्रोप संश्लेषण की मैकेनिज्म क्या होगी वो अपने पास पेपर में आता है। तो ये संश्लेषण 3 नंबर में आता है। तो देखो इसकी जब हम क्रियाविधि देखते हैं स्क्रोप संश्लेषण की, तो स्क्रोप संश्लेषण में सबसे पहले जो गिल्सरोल है वो फेरस सल्फेट H2SO4 की प्रेजेंसी में, यानी जो गिल्सरोल है CH2CHOH, ये जो है FeSO4 H2SO4 की प्रेजेंसी में हीट करते हैं, तो ये सबसे पहले CH2 एक्रोलीन में परिवर्तित हो जाती है।
और ये आपने एक फेमस रिएक्शंस की सेकंड ईयर में पढ़ा था अल्कोहल वाले चैप्टर में गिल्सोल में, कि जब गिल्सोल के ऊपर आप SO4 H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये सबसे पहले किस में चेंज होती है, एक्रोलीन में। एक्रोलीन जो है इसमें एक्रोलीन जो होती है इसमें H2SO4 भी होता है, यदि आप SO4 H2SO4 इसमें कितने H2 रिलीज होते हैं, दो H2 रिलीज हो जाते हैं और क्या बनती है एक्रोलीन। एक्रोलीन क्या होता है, ये जो एक्रोलीन बनी है ये एक्रोलीन एनिलीन के साथ रिएक्ट करती है। हम इस रिएक्शंस के अंदर डायरेक्ट एक्रोलीन नहीं लेते, पहले एक्रोलीन बनाते हैं और फिर इसके साथ क्या होती है रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले ये मैंने एनिलीन ली, इस एनिलीन पर नाइट्रोजन पे लॉन्ग पेयर होते हैं और ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, एक्रोलीन के साथ। एक्रोलीन क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड ग्रुप, इसके साथ सी एच जुड़ रहा है और ये सी एच टू। तो जब एक्रोलीन इसके साथ रिएक्शन करती है, ये एक्रोलीन है ये एनिलीन है, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, क्लियर है। तो देखो क्या बना, रिंग बनी, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड NH और ये H और इस पे क्या चार्ज आ गया प्लस। इस NH के साथ किसने बॉन्ड बनाया, CH2 ने, CH2 के साथ नेक्स्ट बॉन्ड कैसा हो गया, ये सिंगल और फिर इसके साथ क्या जुड़ा CH, CH के साथ ये डबल बॉन्ड और ये C, C के साथ ये H जुड़ रहा है और यहां पे ऑप्शन पे क्या चार्ज आ गया माइनस, क्लियर है। यानी ये अपने पास एल्डिहाइड का क्या बन गया, कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन है क्या होता है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नाइट्रोजन जैसे अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो एच प्लस के रूप में निकलेगा, कहां जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या स्ट्रक्चर्स बनी, रिंग पाई बॉन्ड एन एच सी एच टू सी एच सी एच, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन कार्बन होगा, इस सी एच के साथ क्या जुड़ रहा है एच और ये सी एच टू, फिर सी एच और ये डबल बॉन्ड है ही और ये सी एच हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया ओ एच। अच्छा इसके आगे नेक्स्ट क्या है कि नाइट्रोजन के पास यहां पे क्या बच गया, लॉन्ग पेयर, लॉन्ग पेयर बच गया। तो देखो यहां क्या जुड़ रहा है, एक एच जुड़ रहा है, हाँ या ना, ये एच जुड़ रहा है। अब देखो क्या होता है, ये एच के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, क्लियर है, और इस सी एच के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं। अब क्या बढ़ा, तो देखो क्या बढ़ता है, रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसके साथ ये एच जुड़ रहा है, ये नाइट्रोजन H, ये CH2 और CH2 के साथ क्या है CH और CH के साथ, अब देखो ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड टूट गया, CH नेगेटिव है, CH नेगेटिव H प्लस जुड़ गया, तो ये भी क्या हो गया, भी CH2 हो गया और CH2 के साथ ये C, ये H और ये क्या चल रहा है डबल बॉन्ड O, क्लियर है। अब क्या होगा, इस C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, ये, तो ये अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बना, देखो जैसे ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो H प्लस के रूप में यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बना, रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये C आ गया ये वाला, इस C के साथ ये H है, ये OH जोड़ दिया, इस C के साथ नेक्स्ट CH2 है, CH2 के साथ फिर CH2 है, इस CH2 के साथ ये NH और ये माना, हो गया। अब इसमें से क्या होता है कि H2 रिलीज होता है, अब H2 कैसे रिलीज होता है वो देखो, ये CH2 का ये H में ऐसे ले लू, जैसे आपने ऐसे लिया तो इस कार्बन का जो OH है
और ये एच है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिलीज। जैसे रिलीज हुआ तो क्या बना, रिंग, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सी सी एच, और यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, सी एच टू एन एच। ये कंपाउंड बना, देखो इस नाइट्रोजन के साथ ये एन एच था, इसके साथ ये सी एच टू हो गया, इस सी एच टू के साथ ये सी एच है, इस सी एच और इस सी में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि भाई एस टू रिलीज हो गया, यहां पे क्या जुड़ ही रहा है, तो ये कंपाउंड आपके पास बन गया। इस कंपाउंड पर नाइट्रोबेंजीन डाल दो, क्या डाल दो, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन कर देगा इसका, और इसको हीट कर दो, यहां पे एक एच लग रहा है, तो ये एच टू क्या हो जाती है इसमें से, रिलीज। जैसे रिलीज होती है तो कंपाउंड क्या बनता है, रिंग, नाइट्रोजन, अब इसका एच खत्म होगा तो यहां क्या आ गया, पाई बॉन्ड, और यहां क्या है, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और आप देखो कि जो ये प्रोडक्ट अपने पास आया है ये क्या है, क्यों बताइए, तो केनोलिन का जो ये संश्लेषण अपन आज पढ़ा है, ये कौन सा संश्लेषण है, स्क्रोप संश्लेषण। इस स्क्रोप संश्लेषण में क्या होता है कि एनिलीन रिएक्ट करता है ग्रिस्टोल के साथ, नाइट्रोबेंजीन के साथ, फेरस सल्फेट के साथ, एस्टोसोफोर के साथ, हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या बनता है, किनोलिन। इस रिएक्शन की जब हम क्रियाविधि देखते हैं तो सबसे पहले जो ग्लिसरॉल होता है वो फेरस सल्फेट एस्टोसोफोर के साथ हीट होकर क्या बनाता है, एक्रोलिन। ये फेरस सल्फेट एस्टोसोफोर की जगह आप पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी ले सकते हो, तो एक्रोलिन बनती है, एक्रोलिन बनती है। एक्रोलिन कैसे बनी, अगर मैं इसको समझाऊं तो देखो, एक्रोलिन में जो ग्लिसरॉल है इसको कैसे लिख सकता हूं, सी ओ एच, ऊपर सी एच टू एच है ना, तो मैं सी एच ओ एच ऐसे लिख सकता हूं, सी एच टू एच को, फिर क्या आएगा, सी, और सी के साथ ये क्या आएगा, ओ एच, और इधर क्या आएगा, एच, और फिर क्या आएगा, सी ओ एच, और ये एच हो गया। अब आप यहां से देखो क्या रिलीज होता है, ये एच टू रिलीज, और यहां से ये एच टू रिलीज, दो एच टू रिलीज हो गए, क्या बचा, सी एच ओ एच, फिर क्या बचा, सी, और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, सी एच, और यहां पे एक एच लग रहा है, तो ये सी एच टू बच गया। अब देखो क्या होता है, और यहां पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड। अब देखो इस रिंग के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं, इस रिंग के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये क्या बच गया, अभी सी एच ओ बना, और ये सी, और फिर यहां एच आ गया, और ये क्या आ गया, सी एच टू। तो देखो ये जो बना ये क्या बन गया, एक्रोलिन बना। तो हम ये भी समझे कि ग्लिसरॉल से एक्रोलिन बनी कैसे, तो वो एक अलग स्टेप है, इसको अलग रख लेना कि ऐसे बना है। अगर आप समझे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्रोप संश्लेषण पढ़ रहे थे, इसकी मैकेनिज्म कि भाई ग्लिसरॉल को जब हम FeSO4 H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो एक्रोलिन बनती है, एक्रोलिन बनी कैसे, ऐसे बनी। अब क्या आता है, जो एक्रोलिन होती है इस एनिलीन के ऊपर, और ये क्या है, एक्रोलिन एड करती है, जब इसका एडिशन होता है तो प्रोडक्ट में क्या होता है, इस लोन पे यहां देगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, फिर ये सी एच हो गया, फिर सी एच से सी डबल बॉन्ड एच हो गया, सी एच किससे जुड़ा है, सी एच टू से, और ये सी एच टू किससे बॉन्ड बना लेगा, एन एच टू से। अब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन में विद्युत ऊर्जा किसकी ज्यादा, हाइड्रोजन की, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा, एच प्लस के रूप में निकलेगा, एच प्लस गांठ लेगा ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर, तो ये सिचुएशन बन। इस सिचुएशन में इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता है, एच प्लस जाके कार्बन जुड़ेगा सी एच के ऊपर, तो ये सिचुएशन बन। इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप होता है, इसमें से ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर लेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आते ही एच प्लस निकलेगा, एच प्लस जाके यहाँ कनेक्ट हो गया, इस सी पे क्या जुड़ गया, फिर ओ एच, और इस सी के साथ एच है ही, ये बन गया, और इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, फिर ये जो सी है ये सी एच टू के साथ जुड़ रहा है,
और ये CH2 फिर CH2 के साथ और ये NH के साथ, इसमें से ये OH और ये H2 के रूप में रिलीज हो जाता है, फिर ये बनता है, ये पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा क्योंकि ये दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसके बीच में क्या आ गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आते इस पे नाइट्रोबेंजीन डाल देते हैं, नाइट्रोबेंजीन जब जैसे ही डालते हैं तो इसमें से H2 रिलीज होती है, H2 रिलीज होकर क्या बढ़ जाता है किनोलिन, और ये हमारा जो संश्लेषण है स्क्रोप संश्लेषण है, ये स्क्रोप संश्लेषण कंप्लीट होगा। ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी प्लस आपको ये मैकेनिज्म लिखनी पड़ती है, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, थैंक यू।